एनडीए सरकार के गठन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण, पेपर लीक समेत कई मुद्दों का किया जिक्र। राष्ट्रपति ने इमरजेंसी को बताया लोकतंत्र का काला अध्याय। संसद में राष्ट्रपति के संबोधन को लेकर बोली कंगना रनौत, राष्ट्रपति ने किया हमारा मार्गदर्शन, विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से प्रगति कर रहा भारत। बिलासपुर गोलीकांड मामला, बंबर ठाकुर का बेटा पुरंजन ठाकुर तीन साथियों के साथ गिरफ्तार, एएसपी शिव चौधरी ने मामले की पुष्टि की। शिक्षा व्यवस्था पर बोले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश के शिक्षा ढांचे में हुआ व्यापक बदलाव, शिक्षा का हब बनकर उभरा हरोली। मानसून सीजन को लेकर बोले विक्रमादित्य सिंह, ठेकेदारों की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त, काम पूरा ना करने वाले ठेकेदारों को नहीं मिलेगा नया टेंडर। सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी को घेरा, कहा केंद्र की एनडीए सरकार दो बैसाखियों के सहारे, सीयू का एक दशक से निर्माण ना होना दुर्भाग्यपूर्ण। 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून, नए कानूनों में होगा टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल, एडीजी ने कानूनों में संशोधन को बताया महत्वपूर्ण। 30 जून को खोले जाएंगे लालजी बांध के गेट, लोगों को दी गई व्यास नदी के किनारे ना जाने की चेतावनी, 24 घंटे तक बिजली उत्पादन रहेगा बंद। नाहन में निकाली गई रक्तदान जागरूकता रैली, रक्तदान के लिए जागरूकता पखवाड़े का हुआ आयोजन, लोगों को रक्तदान करने के लिए किया गया जागरूक। कुल्लू के रामशिला में व्यास नदी में गिरा ट्रक, चालक का नहीं लग पाया कोई पता, ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस।